10 जून 1977 को जन्मे मिक्का सिंह आज अपना 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताया दोस्तों, मिक्का सिंह बॉलीवुड के एक मशहूर गायक हैं और साथ साथ अपने गाने से इन्होंने लोगों का दिल जीता है। आपको बताया दोस्तों, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी गानों से की थी, उसके बाद बॉलीवुड तक का सफ़र इनका काफ़ी मज़ेदार रहा। इनके घर वालों की बात करें यानी इनके परिवार वालों की, तो मिक्का का असली नाम अमरीक सिंह है, उनके पिता अजमेर सिंह और माँ बलबीर कोर स्टेट लेवल के रेसलर थे। मिक्का अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और वह मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी के भाई हैं। आपको बताया दोस्तों, मिक्का सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि अपने बेबाक बोल और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातों के लिए जाने जाते हैं जो बीते कुछ सालों में विवादों में काफ़ी रही है। जहां सबसे पहले विवाद देखने को मिला था राखी सावंत के साथ, किस प्रकार से जन्मदिन के दिन इन्होंने राखी सावंत को किस कर लिया था। उसके बाद मिक्का सिंह काफ़ी विवादों में रहे थे और आज भी इनका विवाद देखने को मिल ही जाता है। तो बताएं दोस्तों, 10 जून के दिन अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी मिलते ही फैंस इन्हें बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने कुछ ऐसे गाने गाए हैं जो लोगों की ज़ुबान पर आज तक चढ़े हुए हैं और शायद इनके सारे गाने ही सुपरहिट हैं, ऐसा कोई गाना नहीं जो फ्लॉप हुआ हो। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, द कपिल शर्मा शो के स्टेज पर आने के बाद किस प्रकार से इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था उनके शो में। द कपिल शर्मा शो की बात करें तो कपिल शर्मा शो में मिक्का सिंह आए थे कनिका कपूर और वेस्ट इंडीज़ के खतरनाक घातक बल्लेबाज क्रिस गेल के साथ, जहां पे मिक्का सिंह पहले से ही अपने बेबाक बोल यानी बेबाकपन से बोलने के अंदाज के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो कपिल शर्मा के शो में आने के बाद हर जो भी बड़ा सितारा आता है वह भी काफ़ी खुलकर बातें करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में मिक्का सिंह जो पहले से ही खुले हुए इंसान हैं और अपने अच्छे कार्यों और साथ साथ अपने बेबाक कार्यों के चलते जाने जाते हैं और काफ़ी विवाद में रहते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक ऐसा ही विवाद खड़ा कर दिया था, जहाँ पर मिक्का ने क्रिस गेल से अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा था कि चलिए मैं आपको आज पंजाबी सिखाता हूँ। जैसे इस बात को पता चला तो काफ़ी ऑडियंस खुश हो गई कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा और क्रिस गेल को मिलेगा कुछ नया सुनने और सीखने को मिलेगा। तो ऐसे में मिक्का की इस बात पर क्रिस ने हाँ भरी और हाँ भरने के बाद मिक्का ने फिर से टूटी फूटी इंग्लिश में उनसे कहा, कहो भाभी जी नमस्ते। क्रिस गेल से ये कहा कि कहो भाभी जी नमस्ते। तो पंजाबी और कुछ ऐसी हिंदी सिखाने के चक्कर में इस दौरान वो कनिका कपूर की तरफ ही देख रहे थे। क्रिस गेल ने भी मिक्का की बात को दोहराया और मिक्का की बात को कुछ इस तरीके से दोहराया कि ऑडियंस में बैठी सभी ऑडियंस अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तो वहीं क्रिस गेल की इस बात को सुनने के बाद सभी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कनिका कपूर के होश उड़ गए थे, क्योंकि इसके बाद जब मिक्का पाजी ने क्रिस गेल को इस शब्द का अर्थ समझाया तो वह सब बैठे लोग काफ़ी होश उड़ गए थे, क्योंकि मिक्का ने कहा, आपने कनिका को भाभी कहा है यानी वो मेरी पत्नी है और आपने इनको हेलो बोल रहे हैं। मिक्का की ये बात सुनकर कनिका ने तुरंत कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हालांकि मिक्का ये सब बातें हंसी मजाक में करते हुए दिखाई दे रहे थे और मजाक मजाक में ये सब बातें करने के बाद कहीं ना कहीं मिक्का के ही पसीने छूट चले थे, क्योंकि कनिका कपूर काफ़ी हैरान हो गई थी इस बात को लेकर कि उन्होंने आखिर ये बात क्या बोल दिया। और इस बात को लेकर हमें अगले दिन ही विवाद देखने को मिला था। इसके बाद वो कनिका को हंसते हुए गले लगाते हैं और कहते हैं कि अरे मैं गेल को सिर्फ पंजाबी सिखा रहा हूँ, सीरियस मत होना, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। भले से ही उन्होंने स्टेज पे इस बात को साफ कर दिया कि वे सिर्फ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस बात को वहाँ बैठे सभी लोग भी जानते थे कि मिक्का पाजी सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद काफ़ी विवाद बना था और मिक्का पाजी कुछ ऐसे ही अपने विवादपन के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, विवादों में रहते हैं। इनके जन्मदिन के दिन पर भी हमारे चैनल की तरफ से, नेशनल लाइफ चैनल की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएँ।